हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पटवारी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आने वाले समय में हमें पटवारी के अलावा वन रक्षक, MPPSC का जो प्री होने वाला है उसकी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, और तमाम जो वैकेंसीज हैं MP की स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हों, उन सभी में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल हैं उनमें अलग अलग मंत्रियों के पास कौन सा जो है विभाग उनके पास है। तो इस पूरे वीडियो को हम लोग देखेंगे, इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, और इसको हम पर्टिकुलर जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जनसंपर्क विभाग की जो विभाग वेबसाइट है उसी से देखेंगे कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पास कौन कौन से विभाग हैं, इससे शुरू करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर अभी तक अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकें और उनका एक नंबर, कम से कम इस टॉपिक से एक नंबर उनका फिक्स हो जाए, ठीक है, और आने वाले वीडियोज़ को भी देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, हम लोग पहला देखते हैं। जनसंपर्क मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, फिर ऐसे ही समस्त मंत्रालय जो शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में हैं, ठीक है, थीके? किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों, जो जो बचे हुए मंत्रालय वो भी सब किसके पास हैं अभी हम लिस्ट पे देखेंगे। बहुत सारे मंत्री के पास जो मंत्रालय हैं और इनके अलावा जो मंत्रालय बचे रह जाएंगे वो किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनके पास गृह विभाग है और जेल विधि और विधायी कार्य, संसदीय कार्य, ये सब किसके पास हैं, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पास हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ना जो हमने देखा अभी शिवराज सिंह चौहान को और नरोत्तम मिश्रा जी को, इनके पास अगर देखेंगे तो जिले का कौन सा जिले का प्रभार है, इंदौर जिले का प्रभार इनके पास है, ठीक है। और हम देखते हैं अब अगले क्रम में श्री गोपाल भार्गव जी, ये इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, ये थोड़ा सा आपको कोरिलेटेड लगेगा इसीलिए मैंने सीधा साइट से ही ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा कि आपको कोई भी जो जानकारी है इधर गलत भी ना हो, जो गवर्नमेंट हमें बताना चाह रही है हम उसी को देख लें, ठीक है। और इनका जो जिला है वो कौन सा है, जिला इनके पास है जबलपुर और निवाड़ी, इनके पास है लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, ये दोनों विभाग इनके पास हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्री तुलसी सिलावट, श्री तुलसी सिलावट जी के पास जल संसाधन, मछुआ कल्याण, मत्स्य विभाग है और इनके पास जो जिला है वो हरदा और ग्वालियर की इन्होंने जिम्मा ले रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुंवर विजय साहा, इनके पास कौन सा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, श्री कुंवर विजय साहा, इनके पास कौन सा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जिला जो इनके पास प्रभार है वो है नरसिंहपुर और सतना का। तो इसके बाद है जगदीश देवगौड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको क्योंकि यही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, कौन से हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी, फाइनेंस मिनिस्टर, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, इन सबके सब किसके पास है, श्री जगदीश देवगौड़ा, और कटनी और उज्जैन की जो जिम्मेदारी है वो भी इनके ही कंधों पर है। फिर इसके बाद हम लोग देखें श्री बिसाहू लाल सिंह जो मंत्री हैं, इनके पास आपका खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, जिसको आप फूड डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, और इनके पास जो जिले हैं वो हैं रीवा और मंडला, इनके पास जिले हैं। फिर श्री यशोधरा राज सिंधिया, ये जो हैं इनके पास कौन सा है बेटा, इनके पास पहले भी खेल स्पोर्ट्स वाला जो विभाग था इनके पास था, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, ये जो सारे विभाग हैं किस किस के किसके पास हैं, यशोधराज सिंधिया जी के पास, और इनके पास जो जिला है वो है आगर मालवा देवास, इनके पास है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग श्री भूपेंद्र सिंह जी, ये जो इनके पास जिला है वो कौन सा वाला जिला है, इनके पास भोपाल जिला है, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है इनके पास, या विभाग कौन सा है, नगरीय विकास एवं आवास जो विभाग है वो इनके पास है। फिर इसके बाद देखते हैं श्री मीना सिंह, मीना सिंह के पास जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड जो है वो किसके पास, किसके हाथ में, श्री सुश्री मीना सिंह जी, और अनूपपुर और सीधी जिले की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला कौन है, श्री कमल पटेल, श्री कमल पटेल के पास कौन कौन से, किसान कल्याण एवं विकास, कृषि विकास जो मंत्रालय वो इसके पास है, श्री कमल पटेल जी के पास, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा और खरगोन के संबंध, इनका जिला जो है छिंदवाड़ा और खरगोन है। फिर इसके बाद देखते हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत, इनके पास राजस्व परिवहन विभाग है, और जो इनके पास जिले हैं वो हैं भिंड और दमोह। फिर इसके बाद देखो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं उनके पास खनिज संसाधन, जिसको मिनरल्स वाला विभाग बोलते हैं, और श्रम जो है इनके पास है।
फिर आते हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट विश्वास, श्री विश्वास सारंग जी जो हैं, वो उनके पास कौन सा है, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग और चिकित्सा विभाग। और भोपाल गैस कांड से रिलेटेड जो डेट पूछी जाती है 1984 सेकेंड और थर्ड दिसंबर को कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी, जिसके कारण ये पूरा का पूरा ट्रेजेडी हुई थी भयावर। इनके पास कौन कौन से जिले हैं, विदिशा और टीकमगढ़ इनके पास जिले हैं। प्रभु राम चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु राम चौधरी के पास कौन सा है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डॉक्टर प्रभु राम चौधरी। और धार सीहोर जिला जो दोनों हैं इनके पास ही हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो विभाग है वो इनके पास है और जिला इनका शिवपुरी है। फिर इसके बाद देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा जो है एनर्जी जो सेक्टर है वो किसके पास है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के पास, और इनके पास जो जिले हैं वो हैं अशोकनगर और गुना। फिर इसके बाद आता है प्रेम सिंह पटेल, प्रेम सिंह पटेल जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग और पशुपालन जो है इनके पास है, और बुरहानपुर जिले की जिम्मेदारी भी इनको ही सौंपी गई है। फिर इसके बाद देखिए ओम प्रकाश सखलेचा जो है साइंस एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सूक्ष्म MSME जो सेक्टर है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भी इनके पास है, छतरपुर और सिवनी जिले की जिम्मेदारी भी इनकी है। और सुश्री उषा ठाकुर जी, उषा ठाकुर जी का कंट्रीब्यूशन संस्कृति पर्यटन एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस इन सब में आप उषा श्री उषा ठाकुर जी को देख सकते हैं। और इसके बाद देखें खंडवा और नीमच, इन ये दोनों जिले किसके पास हैं, इन्हीं के पास है। फिर इसके बाद देखें श्री अरविंद भदौरिया जी, ये सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन जो विभाग है वो किसके पास है, इनके पास है, सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन और रायसेन और सागर जिले की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई है। फिर इसके बाद डॉक्टर मोहन सिंह, मोहन सिंह के पास कौन सा है, उच्च शिक्षा विभाग है, हाई स्कूल जो है हायर सेकेंड हाई जो एजुकेशन होता है वो किसके पास है, इनके पास है, और डिंडोरी जो राज्य है डिंडोरी और राजगढ़ इनके पास है। फिर इसके बाद हरदीप सिंह ढंग जो है, श्री हरदीप सिंह ढंग इनके पास नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण जो है इनके पास है, बालाघाट और बड़वानी की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई है। श्री राजवर्धन सिंह, श्री राजवर्धन सिंह औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जो विभाग है इसके पास है, श्री राजवर्धन सिंह और अली राजपुर मंदसौर इनके पास हैं। फिर इसके बाद श्री भारत सिंह कुशवाहा इनके पास है, नर्मदा घाटी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, नर्मदा घाटी विकास उद्यानिकी एवं खाद प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, मुरैना और श्योपुर जिले के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद इंदर सिंह परमार, श्री इंदर सिंह परमार इनको सामान्य प्रशासन स्कूल शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है, बैतूल और झाबुआ ये दोनों ज़िले इनके पास ही हैं। फिर श्री राम खेलावन पटेल जो हैं राज्य मंत्री हैं, और इनके पास जो है पंचायत और ग्रामीण विकास पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण का स्वतंत्र विभाग है, और शेड्यूल जिला की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। फिर इसके बाद देखिए श्री राम किशोर कावरे, कौन है, श्री राम किशोर कावरे इनके पास जल संसाधन आयुष मंत्रालय इनके पास है, पन्ना और उमरिया जिले भी इन्हीं के पास है। बृजेंद्र सिंह यादव इनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्हीं को दिया गया है। फिर इसके बाद देखें सुरेश धाकड़ जो लोक निर्माण विभाग है वो उनके पास है, राज्य मंत्री हैं ये, दतिया से हैं, दतिया इनके पास है। फिर इसके बाद जो अंतिम है वो हैं आपके ओपीएस भदौरिया जी, ये राज्य मंत्री हैं, नगरीय विकास एवं आवास जो है विभाग इनके पास है, रतलाम जिले की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो आप मैं इसकी लिंक जो है आपको, इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप इसको 3-4 बार देखें तो आपको ये सब रिलेट हो पाएगा, तस्वीर के साथ आप इनको देखेंगे बार बार तो आप इनको रिलेट कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं जो बता देता हूँ, जो एग्जाम प्रोस्पेक्ट है, श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, नर्मदा घाटी विकास वाला जो कंसेप्ट है इन्हीं का है। फिर नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह होम मिनिस्टर हैं, जेल का जो है सारा इनके पास है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें हम किसकी, गोपाल भार्गव जी हैं जो लोक निर्माण विभाग के लिए लोक निर्माण विभाग जो इनके पास है। फिर हम बात करें जगदीश देवगुणा जो वित्त मंत्री हैं, ये भी आपसे बार बार पूछा जा सकता है। फूड के लिए आपको देखें बी साहूलाल जी हैं, खेल के लिए स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यशोधरा राजे जो हैं वो आपकी मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है। फिर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला जो है उसके लिए विश्वास सारंग जी हैं, इसको आप याद रखें। स्वास्थ्य के लिए प्रभु राम चौधरी किसके पास जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए प्रभु को याद किया जाता है, ठीक है। ये नमूनक भी आप याद से जोड़ सकते हैं। फिर इसमें संस्कृति के लिए आप देखेंगे तो सुश्री उषा ठाकुर जी हैं, ठीक है, थीके? और शिक्षा के लिए मोहन यादव जी हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए राम खेलावन पटेल जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 2-3 बार इसको देखिए, नोट्स बनाइए, और
अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के साथ जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।